स्वामी। हम पुनः युद्ध करेंगे। प्रसन्न गीत का तो फिर से भोग कर रहेगा। अरे तेरा तो जन्म ही तेरा अपराध है। तेरे लिए आगाही हुई थी तू सम्राट बनेगा या सन्यासी, इसीलिए तेरे राजा पिता ने सारे नगर के दरिद्र रोगी दुखी वृद्ध लोगों को देश के बाहर किया, उनको धोखा दिया और यह अंधेर नगरी बताई तेरे घर। सत्य सत्य सत्य। उन्होंने वहां प्राण त्याग दिए, तेरी माता भी अपने प्राण दे देगी। मेरा ये सह नहीं पाते इनके बीच प्रेम का ही अटूट बंधन है। हाँ क्या इन दुखों से मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा? वो मार्ग खोजना होगा, मुझे खोजना होगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है गोपा। पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। देखो राहुल कैसे नींद में मुस्कुरा रहा है। बस यही कहना था। क्यों मैं इसके जैसा नहीं हो सकता? जहां दुख की परिभाषा नहीं, दुख की अनुभूति नहीं, मुझे भी इसकी तरह ही सारे दुखों से मुक्त होना है। दूर जाना है। मैं छोड़ के मत जाओ सिद्धार्थ। कहां जाओगे? जहां पीड़ा ना हो, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। और मैं तुम्हें भी साथ ले जाता। यदि राहुल को मां की आवश्यकता ना होती राहुल को तो पिता की भी आवश्यकता है। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास, राहुल के पास। भविष्य से कोई ज्ञात नहीं, आप भी नहीं। पर जब आपने वन प्रस्थान करने का निर्णय ले ही लिया है तो मेरी विनती मानोगे क्या? जब आप हमें छोड़कर जाए तो रात के अंधेरे को ओढ़कर जाए। दिन के उजाले में आपको छाते देख न सकूंगी। मैं अज्ञान के अंधेरे को ओढ़कर ही जा रहा हूं गोपा, पर वचन देता हूं ज्ञान का उजाला मिलते ही लौट आऊंगा तुम्हारे पास।
राहुल के पास। मेरी प्रतीक्षा करना। देवी आप कैसा है कंतक? स्वस्थ है। सने खाकर डका ले रहा है। क्या सेवा करूं आपकी? मेरी नहीं, सेवा तुम्हें युवराज की करनी है। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, जहां भी जाते हैं साथ ही तो रहता हूँ दिन भर, परछाई की तरह। अब कदाचित दिन रात साथ। क्यों, युवराज कहीं बाहर जा रहे हैं देवी? हाँ, कदाचित जा रहे हैं। वो जहां भी जाएं, तुम्हें और कंथक को उनके साथ जाना है। कदाचित आज रात ही प्रस्थान हो। आज तुम महल में ही रहना चन्ना। जी। अब गांठ बांध रही है। अब तुम 7 जन्मों तक मेरे साथ ही रहोगे। जब भी मन विचलित होता है मैं इसे बजाता हूं। कौन हूं मैं और यहां क्यों हूं? आपके पुत्र के हाथों में बड़ी ताकत है और आयु के साथ वो और बढ़ेगी। तलवार थामेंगे और फिर मनुष्य होकर वो मनुष्य का सर काटेंगे या कटवाएंगे। मनुष्य कितना असहाय है और काल कितना बलवान। हर जगह संघर्ष, संघ राज्य में विचारों का संघर्ष, पिता के साथ सीमाएं तोड़ने का संघर्ष। नहीं बनना मुझे राजा, मुझे केवल दुख से मुक्ति का मार्ग चाहिए, मुझे शांति चाहिए। कहां जाओगे? जहां पीड़ा ना, केवल शांति हो, जहां ध्यान ही जीवन की परिभाषा हो। आपका विरह सह लूंगी, आपकी पीड़ा नहीं सह सकती। अर्धांगिनी हूं आपकी, आपके आंसू नहीं देख सकती। मन तो रोकने को कह रहा है आपको,
फिर मैं क्यों आपके जाने की व्यवस्था कर रही हूं? क्यों आपके जाने से पहले ही आपके आने की राह देख रही हूं? क्षमा करना गोपा, प्रश्नों के उत्तर मिले तो अवश्य लौटाऊंगा, ना मिले तो स्वयं प्रश्न बनकर रह जाऊंगा, खो जाऊंगा सदियों पुराने अंधेरे में, जहां प्रकाश की इच्छा में आंखों पर पट्टी बांधकर जीता है मनुष्य। न स्वार्थी हूं ना परमार्थी हूं, मैं तो बस शांति का प्रार्थी हूं, न धर्मी हूं ना अधर्मी हूं, मैं तो बस मन का मार्गी हूं। पीड़ा, वेदना, दुख, शत्रुता, सब अरण्य को अब हटाना है, खोज के ज्ञान के बीच को बोकर शांति को लहराना है। तुम राह देखना मेरी, सच कहा तुम्हारे सपनों का मैं पार दी, जब तक लौट के नहीं आता गोपा, मैं तुम्हारा अपराधी। Thank you.
किस दिशा में जाना है युवराज? अनुमा नदी की ओर, फिर वहां से कपिल वस्तु की सीमा पर। युवराज का पता नहीं, पर युवराज के युवराज अभी सोए हैं। यशोधरा, यशोधरा, क्या हुआ? आज तुम पूजा में नहीं आई? यशो, क्या हुआ पुत्री? वो चले गए। कौन चले गए? रात हमेशा के लिए चले गए। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कहाँ है? यशो, वो चले गए माँ। कहाँ चला गया सिद्धार्थ? हमसे विदाई भी नहीं ली। मैं अभी उसे बुलाता हूं। कोई है? राजा अमितोदन से कहो कि हमने उन्हें याद किया। नहीं, अब उनसे कहो कि सैनिकों को भेजो। और ठीक है, उनसे कहो हमने याद किया, जाओ। वो नहीं लौटेंगे। क्या गए? जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते मैं नहीं आऊंगा। ऐसे कैसे नहीं आएगा? उसके प्रश्न प्रश्न और इसके प्रश्न, कौन देगा इसके प्रश्नों का उत्तर? मैं देखता हूं वो कैसे नहीं आता। क्या हुआ भाई महाराज? अनुज, सिद्धार्थ कल रात को चला गया। यशोधरा कहती है कि वो हम सबको छोड़कर चन्ना साथ है। हाँ, तो फिर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है भाई महाराज, वो लौट आएगा। यूं ही वन भ्रमण के लिए निकल गया होगा। दुख का उपाय तो सब ढूंढते हैं, मुझे दुख का कारण ढूंढना है, इसलिए जा रहा हूं। वन में दूर, इतनी दूर जहां केवल शांति हो। और इस शांति को पाने के लिए मुझे एक ही मार्ग दिखता है, सन्यास। महादेवी, महादेवी स्वयं को संभालिए। महादेवी, 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 आंखें खोलो, आंखें खोली महादेवी, सब ठीक हो जाएगा। पानी, पानी लेकर आओ। महादेवी, आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। महादेवी, सिद्धार्थ वापस आ जाएगा। आंखें खोलिए। सिद्धार्थ, वो आ जाएगा। महादेवी, वो आ जाएगा। सिद्धार्थ का, वो आ जाएगा। महादेवी, देव, 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 सिद्धार्थ, देव, सिद्धार्थ कहाँ है? देव, देव,
चाहे लाख जतन कर ले राजन, तेरा पुत्र सन्यासी ही बने जरूर। महाराज ये क्या हुई है? शीघ्र वैद्यराज को बताइए। महाराज ये क्या होगा? पुराना घाव फिर से हरा हो गया। मत रो राहुल, मत रो। वो लोगों का दुख दूर करने गए हैं, पर हम तो अपने हैं ना। सो जा पुत्र, अभी तो रात शेष है। मित्र, आज तक तुमने मेरी बहुत सेवा की और आज तो पूरी रात मेरा भार उठाकर तुम दौड़े हो महल से हनुमान नदी तक। तुमने भी बिना कोई प्रश्न किए मेरा साथ दिया, मैं तुम्हारा स्नेह कभी नहीं भूल सकता। पर हमारा साथ यहीं तक था। प्रश्न इसलिए नहीं किए क्योंकि देवी यशोधरा का आदेश था कि मैं आपके साथ जाऊं। अर्थात गोपा सोई नहीं थी। क्या कर रहे हैं युवराज? आप अपने केश क्यों काट रहे हैं? देखा, मेरे प्रति तुम्हारे स्नेह ने तुम्हें दुख दिया ना? जब मैं सारे बंधन तोड़ रहा हूं फिर अपने केशों से मुंह क्यों? मैं आपको आपके केश नहीं काटने दूंगा। अर्थात तुम मुझे दुख दोगे? मैं जानता हूं मैं आपकी बातें नहीं समझ पाता, परंतु केश काटना आवश्यक है क्या? केश काटना विचारों को काटने का प्रतीक, शारीरिक मोह को छोड़ने का प्रतीक,
और मैं अपने भौतिक विचारों से दूर जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? मान लो ये तुम्हारे युवराज का अंतिम आदेश है। हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, तुम भी बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण। क्या ठिठोली है मंगला। और आज प्रातः काल से पूरे महल में इतना शोर किस कारण है? मेरा बस चले तो गगन ढोल बजवाओ, भूखों को खाना खिलवाओ और ब्राह्मणों में धन लुटवाओ। पर ऐसा हुआ क्या माँ, जो आज तुम इतनी उदार हो रही हो? ले मिठाई खा ले, आज तो तू भी मना नहीं कर पाएगा, ले। पर हुआ क्या है? आप दे लीजिए। पहले कारण बताओ। असित मुनि की वाणी सत्य हो गई आ रही। क्या? चला गया सिद्धार्थ वन में, सब को त्याग कर, सारे रिश्ते तोड़कर ले लिया सन्यास। और जोड़ दिया हमारा रिश्ता भाग्य से। तुम सत्य कह रहे हो मंगला? जाना ही था तो कुछ दिन पहले ही चला जाता, अब ये उद्ध्वस्त राज्य मिले भी तो क्या। कर्म अंधे हो तो आंखें बड़ी करके सोचोगे तो वो दिखाई देगा। धन नहीं है तो क्या, परंतु सीमाएं तो है तेरी। सिंहासन मिल जाए फिर धन बटोरने में तेरी कितनी। आप दोनों महाराज के पास जाओ और दो दो आंसू बहाओ, अच्छा लगेगा उन्हें। चाहे धन दौलत मिले ना मिले, पर एक दौलत तो तू छोड़कर ही गया है सिद्धार्थ। समय व्यर्थ ना करो, जैसा कहा वैसा ही करो, तो दो आंसू बहाओ, जाओ महाराज के पास जाओ। चलो दे। जाओ जाओ जाओ। असित मुनि आप तो अंतर्यामी हो। ये सब महाराज को दे दो, बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे, उन्हें सांत्वना देना और कहना मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलते ही मैं लौट आऊंगा। मैं संसार को सारे दुखों से मुक्त करना चाहता हूं। युवराज, क्या आपके जाने से उन्हें दुख ना होगा? और मैं क्या महाराज को सांत्वना दूंगा, मेरे अपने ही आंसू नहीं रुकते। महल में जब महादेवी पूछेंगी चन्ना तू अकेला लौट आया, तो क्या उत्तर दूंगा उन्हें? उनसे कहना कि आज नहीं तो कल मनुष्य के जीवन में वियोग तो आता ही। वन का जीवन बहुत कष्टदायी होता है, आप धरती पर कैसे सोएंगे? तुम दुखी ना हो चन्ना,
मुझे सन्यासी का जीवन जीना है। मैं तुक्के इतने समीप जाना चाहता हूं जिससे उसका चेहरा देख सकूं। इसीलिए मैंने संसार के सारे सुख त्याग दिए। अब तो मेरी चिंता छोड़ो, कपिल वस्तु लौट जा। और हां, मेरा यह संदेश सबको दे, युवराज क्या मैं आपके साथ नहीं चल सकता? साधु के सेवक नहीं होते चंदा, शिष्य तो होते, पर मैं गुरु नहीं। जिस समय मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी कि मैं तुम्हें भी बुला लूंगा। अभी तुम लौट जाओ, ये मेरा अंतिम आदेश है। चन्ना, मेरे आने तक मेरे कंतक का ध्यान रखना, उसे रोज घास खिलाना। अब तुम जाओ, तुम दोनों के लिए मार्ग बहुत लंबा है, संभल कर जाना। लो, युद्ध के बाद एक और अनर्थ हो गया। क्या? कल रात युवराज सिद्धार्थ वन में चले गए। क्या? शिव शिव बोल काकी, जब तक तेरा मुंह खुला मानो नरक का द्वार खुला। अरे गए होंगे किसी काम से, तेरा तो काम है राई का पहाड़ बनाना। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो पूछ ले लोशिका से, वो आ रही है। ए लोशिका, क्या ये सच है? क्या सचमुच युवराज वन चली गई? हे ईश्वर, न जाने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, विपदा है कि पीछा छोड़ती ही नहीं। अरे वन में ही तो गए हैं, चिंता मत करो, आ जाएंगे। और अपना चन्ना भी तो साथ में गया है, वो उन्हें लेकर ही आएगा। काले कंटक, अब युवराज नहीं लौटेंगे। अले हमें कपिल वस्तु भी जाना है, युवराज का आदेश। जब मेरे मुंह से पानी का एक घूंट नहीं उतरता तो तू कैसे खा सकेगा? हम दोनों ही युवराज से स्नेह जो करते, अब तू ही बता कंटक, कपिल वस्तु लौट कर लोगों से क्या कहूंगा? जब महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुम युवराज को लेकर क्यों नहीं आए, क्या जवाब दूंगा उन्हें? देवी यशोधरा को सांत्वना कैसे दूंगा? हम सब युवराज के बिना कैसे रहेंगे कल तक? Ha ha ha!
रक्त बल रहा है पांडुल। लूट कर ले आते पूरे कपिल वस्तु को। समाप्त कर देते महाराज शुद्धोधन और शाक्यों को। यदि मगध नरेश महाराज बिंबसार का युद्ध विराम संदेश न मिलता। फिर भी महाराज हमें इस युद्ध से लाभ ही हुआ है। पर मगध का विश्वास खोकर हानि ही तो हुई। पूर्णता विजय मिलती तो ना शाक्य रहते ना उनका गणतंत्र। जाने अब सिद्धार्थ क्या व्यू रचाएगा। महाराज की जय हो। एक शुभ संदेश है महाराज, कपिल वस्तु के युवराज सिद्धार्थ गौतम सन्यासी हो गया। क्या क्या? जी महाराज, वे कपिल वस्तु छोड़कर वन में चले गए। ये तो अति उत्तम समाचार है महाराज। मुझे तो लगा था कि युवराज सिद्धार्थ के आते ही शाक्य गणतंत्र एक और युद्ध का शंखनाद करेगा। अब शाक्यों में ऐसा कोई भी नहीं जो हमारा सामना कर सके महाराज। और महाराज शुद्धोधन भी इस युद्ध में घायल हुए। अब तो शाक्यों पर पूर्णता हमारा ही शासन होगा। महाराज बिंबिसार की सेना कहाँ? जी कपिल वस्तु में है महाराज। अर्थात अब हम शाक्यों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सिद्धार्थ तो गया और मगध की सेना को कपिल वस्तु में ठाकर गया। हमारी विजय हमसे छीन कर गया है। अब हम ना तो शाक्यों से युद्ध खर्च ले सकेंगे और ना दोबारा युद्ध कर सकेंगे। लेकिन ऐसा क्यों महाराज? सिद्धार्थ की मित्रता निभाने के लिए महाराज बिंबिसार हमेशा शाक्यों की रक्षा करते रहेंगे। पर ऐसा वो क्यों करेंगे महाराज? इसलिए कि कपिल वस्तु को रक्षा प्रदान करने के बदले में उन्हें व्यापार करने का नया मार्ग मिल जाएगा। उन्हें हमें चुंगी नहीं देनी पड़ेगी। युद्ध हम लड़े यही सिद्धार्थ हुआ। स्वयं तो बन गया पर बिना युद्ध हमें अभंग बना गया। कौन है आप? देखा, तुम्हारी आवाज से मेरा निशाना चूक गया। आप एक सन्यासी होकर शिकार कर रहे हैं? यह तो स्वांग है। मैं एक शिकारी हूं और साधुओं के वस्त्र इसलिए पहने हैं जिससे मैं शिकार को धोखे में रख सकूं। पर यह तो सही नहीं। इस तरह तो पशु पक्षियों का विश्वास साधु सन्यासियों से उड़ जाएगा। आप साधु वेश का अपमान कर रहे हैं। इस अरण्य में जीवन निर्वाह के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। यदि मैं तुम्हें जीवन निर्वाह के लिए धन दूं, तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? धन? तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं कुछ व्यवसाय कर लूंगा। पर उसके प्रतिफल में तुम्हें मुझे अपने ये साधु वस्त्र देने होंगे और मैं तुम्हें अपने वस्त्र दूंगा। वस्त्र? हाँ मित्र, मेरे ये वस्त्र रत्न जड़ित और स्वर्ण तार से निर्मित है। इन्हें बेचकर तुम अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत कर सकोगे। ठीक है, पर तुम एक साधु के वस्त्र लेकर क्या करोगे? पशु पक्षियों का विश्वास जीतूंगा, उन्हें अपना मित्र बनाऊंगा। सत्य कथा, पुरुषार्थ कथा, सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा।